आज हम बात करने वाले हैं वेब एक्सेसिबिलिटी के बारे में, एक बहुत ही मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक। अगर आपको सीनियर पोजीशन पे जाना है फ्रंट एंड की या फिर वेब डेवलपर की, तो ये टॉपिक आपको जरूर आना चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वेब एक्सेसिबिलिटी है क्या। सो वेब एक्सेसिबिलिटी का सिंपल फंडा ये है कि आपको अपनी वेब एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है। पहुँचाने का मेरा मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर सके। सो अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स की माने तो वहाँ पे 15% पॉपुलेशन पीपल विद डिसेबिलिटीज वाले हैं। सो जो जिसको डिसेबिलिटी नहीं होती वो तो उसके लिए तो आप वेब एप्लीकेशन बना लेते हो। जैसे हम जब भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम कोडिंग करते हैं तो खुद से टेस्ट करते हैं। सो हम खुद को देखते हैं, पर हर एक बंदा हमारे जैसा नहीं हो सकता। क्या पता उसकी आई साइट वीक हो, क्या पता वो कलर ब्लाइंड हो, क्या पता उसको कुछ डिसेबिलिटी हो, मतलब जो बाकी डिसेबिलिटीज होती है शरीर के अंदर जो जन्म से ही आती है। तो आपको मेक श्योर करना होता है कि जो भी वे डिवाइस यूज़ करे कंप्यूटर चलाने के लिए, उस डिवाइस की मदद से आपकी वेबसाइट चल जाए। तो और आपको ये भी मेक श्योर करना होता है कि आपकी वेबसाइट सिर्फ कीबोर्ड माउस से नहीं, आपके कीबोर्ड से भी चलनी चाहिए। सो वेब एक्सेसिबिलिटी का सिंपल फंडा यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास अपनी वेबसाइट पहुंचानी है। पहुंचाने का मतलब ये है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको चला सके, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं फंक्शन जिसको डिसेबिलिटीज़ होती है वो माउस और कीबोर्ड यूज़ नहीं करते, उनके लिए कुछ अलग से डिवाइस आते हैं। सो उनके साथ भी आप कोलैब करके अपने वेबसाइट को एक्सेसिबल बना सको, उन यूज़र्स के लिए भी यही सिंपल फंडा है। वेब एक्सेसिबिलिटी को अब करता कौन है? सो बेसिकली उसको हम डेवलपर्स ही करते हैं। हमें कुछ कोड में ऐसे चेंजेस करने होते हैं जिसकी मदद से वो वेबसाइट एक्सेसिबल बन जाती है। अब वो क्या चेंजेस करते हैं वो हम अगले पार्ट में देखते हैं। सो अभी के लिए यही जान लीजिए कि जो वेब फ्रंट इंजीनियर्स होते हैं या फिर वेब डेवलपर्स होते हैं, उनको ही कुछ चेंजेस करने होते हैं HTML के अंदर, JS के अंदर और CSS के अंदर। सो इन तीनों से ही हमारा सब कुछ वेब एक्सेसिबिलिटी का होता है। सो इन तीनों में चेंजेस करके ही हम अपनी वेबसाइट को एक्सेसिबल बना सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं आखिर वेब एक्सेसिबिलिटी को हम करते कैसे हैं। कुछ टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे, तो सारे टॉपिक्स तो ऑब्वियसली हम कवर नहीं कर पाएंगे, तो कुछ टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। आपको एंड में मैं रिसोर्सेज भी बता दूंगा, तो जल्दी से स्क्रीन शेयरिंग पे जाते हैं। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं आखिर वेब एक्सेसिबिलिटी में एक्सेसिबल कौन सी वेबसाइट को मानते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे ही मैं इस वेबसाइट पर जाता हूँ, वेबसाइट के आने के बाद जब मैं टैब पे क्लिक करता हूँ तो मेरा बटन देखिए कहाँ जा रहा है। मेरा बटन जा रहा है क्लिक मी पे। पर ऐसा क्यों हुआ? हमारा बटन जाना चाहिए था क्लिक मी 4 पे, पर वो गया है क्लिक मी पे। इसके बाद टैब करता हूँ तो क्लिक मी 2 पे गया है। इसके बाद टैब क्लिक मी 3, इसके बाद टैब क्लिक मी 4। तो जो ये वेबसाइट है ये वेब एक्सेसिबल नहीं है, इसको हमें वेब एक्सेसिबल बनाना है। सो जो पहला काम हमारा आता है इसके अंदर, वो हमारा ये आता है कि हमारा डोम स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। मतलब जैसे हम दिखा रहे हैं एलिमेंट्स को, वैसा ही हमारा डोम स्ट्रक्चर होना चाहिए। CSS की मदद से हम उल्टा पुल्टा नहीं कर दे। तो जैसे कि अब कोड में आते हैं तो HTML का कोड देखिए। HTML में मैंने यहाँ पे क्या किया है, CSS से रिवर्स कर दिया है जो भी रो थी, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। जब भी इंटरेक्टिव एलिमेंट होते हैं जो ये बटन वगैरह, वो हमेशा टैप करके डोम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आते हैं। सो जैसे ही मैंने टैप किया वापस जाके, तो वो पहले क्लिक मी पे इसलिए गया क्योंकि वो डोम स्ट्रक्चर में पहले क्लिक मी ही था। उसके बाद जब मैंने दोबारा क्लिक किया तो वो क्लिक मी 2 पे गया क्योंकि उसके बाद क्लिक मी 2 था। तो हमेशा ये याद रखिएगा, अगर वेब एक्सेसिबिलिटी बना वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाना है तो ये हमेशा याद रखिएगा कि आपका डोम स्ट्रक्चर वैसा ही होना चाहिए जैसा आप एलिमेंट्स को दिखा रहे हो अपनी वेबसाइट के अंदर। सो अब इस वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाने के लिए सिंपल हमें एक चीज़ करनी है, हमें ये जो फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने दिया है इसको हटा देना है। हटाने के बाद यहाँ पे वापस से आ गया, और अब जब भी मैं टैब इंडेक्स करूँगा तो क्लिक मी पे आ गया, फिर टैब इंडेक्स किया क्लिक मी 2 पे, फिर 3, फिर 4। अब यहाँ पे एक देखने की बात आती है, कई बार हम क्या करते हैं कि हमने जब भी बटन पे क्लिक किया तो ऐसे लाइन आ जाती है बाहर, तो हमें ये लगता है कि ये बहुत ही बेकार लाइन है, ये हमें नहीं दिखनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी हम आउटलाइन को नन कर देते हैं, ठीक है। अब इससे क्या नुकसान आता है, अब इसका ड्रॉबैक ये है कि जब भी अब यूज़र टैब करेगा उसको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे है। मतलब बेसिकली अभी टैब करके कहाँ पे हमारा इंटरेक्टिव एलिमेंट कौन सा हाईलाइट हुआ है, सो उसको पता ही नहीं चलेगा। तो कभी भी आपको आउटलाइन नहीं करना है फोकस के अंदर। अगर आउटलाइन आ रही है तो वो किसी पर्पस की वजह से आ रही है, उसका पर्पस यही है कि आपकी वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाना है। अब जैसे देखिए मैं टैब कर रहा हूँ तो अभी कुछ नहीं पता चल रहा है, पर जैसे ही मैं इंस्पेक्ट पर जाऊँगा, कंसोल पर क्लिक करता हूँ और अब मैं टैब करता हूँ,
अब देखिए मैंने एंटर किया तो क्लिक मी पे एंटर हुआ है, तो इसका मतलब अभी जो हाईलाइट हो रहा है वो क्लिक मी है। अब दोबारा टैब पर क्लिक करता हूँ, क्लिक मी टू पे चला गया, पर हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्योंकि हमने आउटलाइन नन कर दी है। तो ये भी कभी मत करिएगा, इससे भी हमारी वेबसाइट की जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड आता है वो आता है कि हमेशा जो हमारे पास सिमेंटिक्स एलिमेंट होते हैं उसको यूज़ करिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बटन यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जब भी मैं टैब पे क्लिक करता हूँ तो ये एक इंटरेक्टिव एलिमेंट है, तो उस पर फोकस हो जाता है। देखिए टैब पे क्लिक करते ही यहाँ पे फोकस हो रहा है। और बट अगर मैं इसी को एज अ बटन बनाऊँगा, मतलब एज अ बटन अगर मैं इसको कोई क्लास दे देता हूँ बटन, एंड देन इसको कहता हूँ कि क्लिक मी 5, एंड इसको मैं एज अ बटन बना देता हूँ। ऊपर जाके अगर मैं इसमें थोड़ी सी CSS लिख देता हूँ, 1 pixel solid 222, ये देखिए। एंड अब मैं यहाँ पे आके टैप करता हूँ टैबिंग, सो टैप किया, क्लिक मी पे आ गया, क्लिक मी टू पे आ गया, 3, 4। अब मैं टैप पे क्लिक करूँगा, गायब, वो क्लिक मी 5 पे नहीं गया। अब मैं इसके ऊपर कितने ही ऑन क्लिक लगा लूँ, कुछ भी कर देता हूँ, पर ये नहीं जाएगा अनलेस मैं इसको जावास्क्रिप्ट से कुछ करूँ या फिर मैं इसको एक टैब इंडेक्स दूँ। यहाँ देखिए अगर मैं इसको टैब इंडेक्स दे देता हूँ 0, ठीक है। अब मैं इस पे जाता हूँ, अब मैं टैब करता हूँ, क्लिक मी 2, क्लिक मी 3, क्लिक मी 4, क्लिक मी 5, अब इस पे फोकस हो गया। तो टैब इंडेक्स हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमें नॉन इंटरेक्टिव एलिमेंट को इंटरेक्टिव बनाना हो, अगर हमने उस पर कोई इवेंट लिस्टनर लगाया हो। बट एक बात ध्यान रखिएगा, ये तभी यूज़ करिएगा अगर वो ऑलरेडी सिमेंटिक्स में नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ पे बटन है तो हमें सिर्फ बटन ही यूज़ करना है, डिव को नहीं यूज़ करना है टैब इंडेक्स के साथ। सो टैब इंडेक्स के बारे में आप ज़्यादा कर MDN पे पढ़ सकते हो, उसमें 3 आते हैं टैब इंडेक्स। एक पहले आता है -1, फिर आता है 0, और फिर उसके बाद जो भी ऊपर वैल्यूज़ होती है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है वेब एक्सेसिबिलिटी में, तो उसको पढ़िएगा भी मत। अब जैसे कि अगर मैं इसको टैब इंडेक्स -1 कर देता हूँ क्लिक मी 4 को, अब देखिएगा क्या होता है, रिफ्रेश करता हूँ, हाँ, क्लिक मी 2, क्लिक मी 3, अब देखिए 4 पे मैंने टैब इंडेक्स -1 कर दिया है, गायब, क्योंकि मैंने यहाँ पे टैब इंडेक्स -1 कर दिया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इंटरेक्टिव एलिमेंट अब इंटरेक्टिव नहीं रहा है, बट हम इसको फोकस कर सकते हैं सिर्फ जावास्क्रिप्ट से। इसका मतलब ये होता है टैब इंडेक्स -1 का। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कलर कॉन्ट्रास्ट की, आखिर फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए। सो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 टेक्स्ट है, हे आई एम ऋतिक एंड हे आई एम बिगर। सो जो हमारी वेब एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस कहती है वो ये कहती है कि अगर आपका छोटा टेक्स्ट है तो वो कम से कम 4:5:1 होना चाहिए कलर कॉन्ट्रास्ट, और अगर आपका बिगर टेक्स्ट है तो कम से कम 3:1 होना चाहिए, हाँ इतना ही होना चाहिए। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रे यूज़ किया है, और सामने जो कलर यूज़ किया है वो मैंने ब्लैक यूज़ किया है। तो अब इसका कलर कॉन्ट्रास्ट हम कैसे पता करेंगे? सो अब जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पर जाता हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मेरे को जाना है कंप्यूटर पे, फिल्टर में सर्च करना है कलर, कलर पे सर्च करने के बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये दिख जाएगा, फिर इस पे बॉक्स पे क्लिक करके बॉक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कलर कॉन्ट्रास्ट 4:02। सो अभी मैंने आपको बताया था कि कम से कम 4:5:1 होना चाहिए अगर हमारे पास स्मॉल टेक्स्ट है, इसलिए ये ऐसा दिखा रहा है। तो अगर आपको इसको फिक्स करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हो, रिफ्रेश पे क्लिक करिए, 4:5 हो चुका है, तो इसने नया कलर आपको बता दिया जो 4:5 पे कलर कॉन्ट्रास्ट हमें दे रहा है स्मॉल टेक्स्ट के साथ। बट यही केस अगर मैं दूसरे टेक्स्ट के साथ, लार्जर टेक्स्ट के साथ, तो ये एरर नहीं देगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 3:1 है इसके अंदर। ये देखिए सॉरी गलत हो गया, मैं डिफ़ॉल्ट कलर वापस से ला देता हूँ 222, हाँ। तो अब बॉक्स पर क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे 4:02 है, 4:5 नहीं है, पर यहाँ पे टिक आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट का कलर इतना बड़ा है कि यूज़र को दिख सकता है। ये बेसिकली जिनको आई की प्रॉब्लम होती है उनके लिए होता है कलर बिगर, या फिर जो ओल्ड हो जाते हैं, ओल्ड एज पीपल होते हैं उनके लिए होता है। सो ये याद रखिएगा, जब भी आपका स्मॉलर टेक्स्ट हो तो 4:5:1 होना चाहिए, और बिगर टेक्स्ट हो तो 3:1 होना चाहिए आपका कलर कॉन्ट्रास्ट। अब बात करते हैं सबसे मेन जो वेब एक्सेसिबिलिटी में देखना होता है, वो होता है मैक के अंदर हमारे पास है वॉइस ओवर, विंडोज़ में क्या होता है मेरे को याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा। सो बेसिकली वो वॉइस कमांड ये देता है यूज़र्स को, वॉइस कमांड की मदद से यूज़र अपनी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। सो अब देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ amazon.in के अंदर। सो यहाँ Amazon in, content selected, address muting, हाँ।
यहाँ पे सबसे पहले अभी देखते हैं क्या होता है। तो जब भी मैं जहाँ भी आप जिस पे भी जाऊँगा आपको एक आवाज़ सुनाई देगी, वो वॉइस ओवर की आवाज़ होती है। अभी देखिएगा then up arrow, down arrow, left arrow or right arrow to exit this toolbar, muting. ये बहुत बोलता है। सो अब इसके बाद मैं आपको जो दिखाने वाला था वो जैसे ही मैं वेबसाइट में एंटर करूँगा आपको एक ऊपर बटन दिखेगा स्किप टू मेन कंटेंट, उसको देखिएगा। टैप 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 टैप। अब मैं उसको अनम्यूट कर रहा हूँ, उसको सुनिएगा। https code leaving bookmarks entering online shopping site in India shop online for mobiles books watches shoes and more amazon in web content skip to main content group you are currently on a group inside web content to exit this web area press control option shift muting। ये जो होता है ये सबसे पहले होता है skip to main content button। सो जब भी यूज़र टैप करता है वेबसाइट के अंदर आता है सो सबसे पहले उसको यही दिखाई देता है। अब इसमें क्या होता है जब भी वो यूज़र इसको क्लिक करता है तो मेन कंटेंट पे जाता है यूज़र सीधा, तो ऊपर जो बार होती है उसको मिस कर देता है यूज़र। अब मैं जैसे एंटर पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए मैं सीधा स्लाइडर पे आ गया, जो यहाँ पे नीचे स्लाइडर है और जो ऊपर हेडर था उसको मैंने मिस कर दिया है। अब देखिए स्किप टू मेन कंटेंट क्लिक करते ही ये क्राउजल पे आ चुका है। अब क्राउजल में देखिए ये कैसे बताता है यूजर को कि क्राउजल क्या करता है, सुनिएगा। लिंक सॉरी दैट लिंक प्रीवियस स्लाइड मेन यू आर करंटली ऑन अ लिंक टू क्लिक दिस लिंक प्रेस कंट्रोल ऑप्शन स्पेस लिंक इमेज बेवरेजेस फेस्ट लिस्ट वन आइटम यू आर करंटली ऑन अ लिंक टू क्लिक दिस लिंक प्रेस कंट्रोल लिंक नेक्स्ट स्लाइड मेन You are currently muting. जब भी हम किसी स्लाइड के बटन पर जा रहे हैं उसको बता रहा है कि नेक्स्ट स्लाइड का बटन है या प्रीवियस स्लाइड का बटन है, तो ये भी एक्सेसिबिलिटी में आता है। मान लीजिए मेरे को दिखाई नहीं देता है, मैं देख नहीं सकता हूँ, सो बेसिकली अब मुझे सुनाई दे जाएगा कि हाँ ये अगली स्लाइड के लिए प्रीवियस स्लाइड के लिए। अब इसमें दूसरा जो एक और पार्ट आता है एक्सेसिबिलिटी में, जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो अगला बिहेवियर क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड पर क्लिक करके नेक्स्ट पर फोकस रहना चाहिए, नहीं उस पे फोकस होना चाहिए जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी, क्योंकि अभी तक यूज़र ने उसके साथ इंटरेक्ट नहीं किया है। तो अब मैं जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जो अगली स्लाइड आएगी इसके ऊपर तो उस पे फोकस आ जाएगा। अब देखिए लिंक इमेज मीडिया लिस्ट वन आइटम यू आर करंटली ऑन अ लिंक टू क्लिक दिस लिंक म्यूटिंग, ये देखिए इस पे फोकस आ गया। तो ये सब चीज़ें हमें वेब एक्सेसिबिलिटी में देखनी होती है कि फोकस जो है वो कहाँ पे रहना चाहिए, अगर नेक्स्ट पे क्लिक करें तो कहाँ पे आना चाहिए। अब इतने सारे हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, क्राउजल होता है, सर्च बार होता है, अब सबके लिए ऐसे याद करना तो हमें पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, वेबसाइट का मैं लिंक दिखा देता हूँ अभी। तो वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन से कंपोनेंट में आपको क्या क्या ऐड करना है, क्या करना है, जिसकी मदद से वो एक्सेसिबिलिटी आ जाए उसके अंदर। तो ये देखिए अभी ये है एक वेबसाइट w3org। यहाँ पे हमारे पास पैटर्न्स हैं, जिसका भी हमें देखना है कि क्या हमें उसको वेब एक्सेसिबल बनाना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे ऊपर मैं जाता हूँ एकॉर्डियन पे, एकॉर्डियन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए अबाउट दिस पैटर्न, एकॉर्डियन क्या होता है, एकॉर्डियन में क्या क्या हमें डालना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो कीबोर्ड इंटरेक्शन कैसे होना चाहिए वो भी यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये आपको जावास्क्रिप्ट से करना होगा, जो भी कीबोर्ड इंटरेक्शन है, जावास्क्रिप्ट से होगा, एचटीएमएल से होगा, जिससे भी करना है। इसके बाद ये नीचे आपको दिखाएगा कि आपको कौन कौन से एट्रीब्यूट्स डालने हैं। आर्या एट्रीब्यूट्स सबसे मेन होते हैं वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाने के लिए। आर्या एट्रीब्यूट्स बेसिकली हमारे एचटीएमएल एलिमेंट के आगे लगते हैं। उसका एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो अगर मैं यहीं पे इंस्पेक्ट पे जाता हूं, यहां पे इंस्पेक्ट पे जाने के बाद जैसे यहां पे आईडी है, यहां पे टैब इंडेक्स है, ऐसे ही हम आगे अलग से डाल सकते हैं आर्या एट्रीब्यूट्स। जैसे अगर मैं डाल देता हूं आर्या लेबल, ये बेसिकली लेबल अनाउंस करेगा जब भी वॉइस ओवर यूज़र यूज़ करेगा। जो आर्या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सिर्फ वॉइस ओवर के लिए ही होते हैं, वो ऐसे दिखते नहीं है नॉर्मल यूज़र्स को। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी ऐड कर देता हूँ, जैसे आर्टिकल मेरा है, ठीक है आर्टिकल मेरा है मैंने ऐड कर दिया। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ वॉइस ओवर के साथ। सेक्शन अकॉर्डियन हेडिंग लेवल 2 टू आइटम्स आर्टिकल मेरा है मेन यू आर करंटली ऑन अ हेडिंग लेवल 2 वॉइस ओवर ऑफ। देखा अभी आपने आर्टिकल की जो हेडिंग है वो है ये वी ए आई आरियल रोल्स स्टेट प्रॉपर्टीज, पर उसने अनाउंस वो किया जो आर्या एट्रीब्यूट में गया था। आर्या एट्रीब्यूट बेसिकली यही होता है, वो वॉइस ओवर के लिए काम करता है। जो भी आप उसमें देंगे, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, लेबल देने के लिए, डिस्क्रिप्शन देने के लिए, काफ़ी कुछ देने के लिए आर्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो आप ऐड कर सकते हैं जो जो आपको ऐड करने हैं जिस कंपोनेंट में, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं आज, बस शॉर्ट में ऐसे दिखाना था।
कि आखिर हम वेब एक्सेसिबिलिटी को कैसे शॉर्ट में करते हैं, मतलब हाईलाइट दिखानी थी बस कि आखिर होता क्या है, क्या होता है आगे जाके। मैं वेब एक्सेसिबिलिटी की एक इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसा टॉपिक है जो इंटरनेट पर बहुत ही कम मिलता है। सो इसकी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, अलर्ट बटन दबा दीजिए हर वीक अलर्ट पाने के लिए वीडियो का। सो आज के लिए इतना ही, सेमी कॉलन।